सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो भाई होने वाला है अपने इंडियन सुपर हीरो क्रिश की मूवी क्रिश 4 के बारे में। काफी सारे लोग क्रिश 4 के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी तक भाई इसके पार्ट 4 के ऊपर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है, बिकॉज मूवी को तो आने में काफी टाइम है, लेकिन अगर इसका प्री प्रोडक्शन अभी स्टार्ट होगा तभी आगे चल के कुछ अच्छी बात बनेगी। तो मेकर्स का अभी तक भाई क्या क्या स्टांस रहा इस मूवी को लेकर, एंड वो लोग कब तक सोच रहे हैं इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करने को, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, क्रिश 4 ऑफिशियली कन्फर्म हो गई थी। इसको इनके लाइक मेकर से लेके जो लाइक मेन एक्टर है अपने ऋतिक रोशन सर एंड उनके जो पापा हैं राकेश रोशन, उन सभी ने भी कंफर्म कर दिया है। इनफैक्ट ये भी अपडेट आई थी कि अग्निपथ के जो डायरेक्टर हैं करण मल्होत्रा, वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। हालांकि डायरेक्टर के ऊपर अभी भी लाइक कंफ्यूजन थोड़ी सी बनी हुई है, बट करण मल्होत्रा का नाम काफी ज्यादा सामने निकल कर आया है। अब देखो डायरेक्टर तक तो ठीक है कि उनको ये लोग आगे चल के चेंज करना भी चाहें तो कर सकते हैं, बट मेन चीज ये है कि मूवी की स्क्रिप्ट क्या अभी तक रेडी हुई है, बिकॉज जब तक स्क्रिप्ट रेडी नहीं होगी तब तक तो भाई मेन प्री प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो देखो राकेश रोशन सर ने बहुत पहले कंफर्म करा था कि जो मेन स्टोरी है वो उनके पास आ चुकी है, बट उनके अंदर उनको भाई कुछ आजकल के टाइम के हिसाब से चेंजेस करने हैं, बिकॉज जो अपनी ऑडियंस है लाइक जो भी टीनेजर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से काफी सारे इनपुट दिए हैं। एंड इसी के साथ ही ऋतिक रोशन सर ने भी अपनी तरफ से कुछ चेंजेस स्क्रिप्ट में करने को बोले थे, एंड दैट्स व्हाई बताया जा रहा है कि अब जाकर जो इसका मेन स्क्रिप्टिंग का वर्क है वो पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि भाई स्क्रिप्टिंग होने के बाद होती है कास्टिंग, एंड बिकॉज ऑफ की क्रिश 4 का बजट काफी ज्यादा है एंड वो लोग इसको ग्रैंड स्केल पर बनाना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई बताया जा रहा है कि इसका प्री प्रोडक्शन काफी लंबा चलने वाला है। एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है कि मेन कोर कास्ट का रिटर्न तो आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर्स भी आप लोग को इसके अंदर ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड बिकॉज ऑफ की इसकी स्टोरी बताया जा रहा है कि पास्ट एंड प्रेजेंट में भी ट्रेवल करने वाली है, तो मतलब कि इस टाइम ट्रेवल तो इसके अंदर होना ही है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। तो उसको लेकर भी काफी सारे लाइक उनको नए कास्ट मेंबर्स अनाउंस करने पड़ेंगे, एंड जिसके अंदर डेफिनेटली अभी ये लोग टाइम लेंगे। तो दैट्स व्हाई अभी आप लोग को इस साल के मिड से पहले तो इसका जो लाइक प्रोडक्शन का वर्क है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक प्रोडक्शन को लेकर अच्छी बात यह है कि ऋतिक रोशन सर की आने वाली जो मूवी है वो वॉर 2 ही अभी करंटली अनाउंस करी गई है। उसके अलावा जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि आगे पीछे चीजें करी जा सकती हैं, तो इन्हीं के बीच में ही कहीं आप लोग को क्रिश 4 का भी जो शूटिंग का शेड्यूल है वो देखने को मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ की भाई क्रिश 4 ऋतिक रोशन सर के काफी करीब है, तो मेरे को लगता नहीं कि कैजुअली वो कोई इसका शूट करेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर आप लोग को पूरा मंथ का स्लेट देखने को मिलेगा कि भाई इस मंथ से लेके इस मंथ तक इसके लिए भाई ऋतिक रोशन की डेट्स बुक हो चुकी है, तो जैसे उसकी अनाउंसमेंट होगी वो मैं आप लोग को आगे इन्फॉर्म कर दूंगा। बट यस, अभी बताया जा रहा है कि वॉर 2 के बाद वो लोग क्रिश 4 की शूटिंग करेंगे, ये चीज अभी करंटली तो कंफर्म नजर आ रही है। अगर बात करें मेन क्वेश्चन की कि क्रिश का जो चैप्टर 4 है वो आप लोग कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखो अभी चैप्टर 4 को आने में बहुत टाइम लगने वाला है। 2024 से 2025 आप लोग मान के चलो कि शूटिंग में जाने वाला है, एंड देन उसके बाद 2025 से लेकर 2026 इसका चलेगा पोस्ट प्रोडक्शन। तो 2026 के लास्ट क्वार्टर से पहले तो आप लोग को ये मूवी देखने को नहीं मिलेगी, एंड वो भी तब जब सब कुछ एकदम टाइम पर अपने चालू हो जाए। तो यस, अभी काफी लंबा में इस मूवी को रिलीज होने में, एंड मेरे को पता है कि भाई बच्चे अब बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, कुछ की तो शादी भी हो चुकी है, तो आगे जैसे मेरे को इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग बताना कितने लोग इस मूवी के चैप्टर 4 का वेट कर रहे हो, एंड आपके अकॉर्डिंग अगर मेकर्स ने इतना टाइम ले ही लिया है तो लोग स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि भाई इंडिया का जो सुपर हीरो है उसकी स्टोरी भी हम लोग को भाई तगड़ी देखने को मिले। तो जो भी आप लोग के थॉट्स हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक लेटर देन टेक। Peace off.